जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मानचित्र आपको समझ में आ गया होगा किस महाद्वीप का है। तो दोस्तों, यह महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। दोस्तों, हम आपको यह बात बता दें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यदि हम कंट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो समझ लीजिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कंट्री को कुछ विभिन्न भागों में बांट करके हम लोग पढ़ा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम समझ सकते हैं, उत्तरी अमेरिका के उत्तर की भाग की तरफ पढ़ेंगे तो इसे उत्तरी अमेरिका का देश कहेंगे, और ठीक नीचे आएंगे तो मध्य अमेरिकाई देश होगा, और इधर आएंगे यानी आपका कैरेबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर में, तो यह कैरेबियाई देश हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी भाग मिला करके यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका और फिर मध्य अमेरिका तथा कैरेबियाई देश मिला करके कुल 29 देश होंगे। दोस्तों, हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे, पहले उत्तरी अमेरिका पढ़ लेंगे। यहाँ आपको कुछ मानचित्र नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम पुनः इसे भी देखने का प्रयास करेंगे और मानचित्र भी दिखाकर समझाएंगे। और अभी हम लोग उत्तरी अमेरिका तथा कैरेबियाई देश हम लोग पढ़ा करेंगे और समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अमेरिका जो है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, जब यानी 1492 ईस्वी में कोलंबस जो यात्री थे, नाविक जो थे, वह जब इस दुनिया को खोज किया तो इसे नई दुनिया के नाम के रूप में नामित किया था, और बाद में आगे चलकर इसका नाम हो गया अमेरिका पड़ गया यानी अमेरिगो वेस्पुची। दोस्तों, आइए समझते हैं इस अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यदि पूर्व की तरफ बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर आएगा, पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर आएगा, और उत्तर की तरफ बात करेंगे तो आएगा आर्कटिक महासागर आएगा। दोस्तों, आइए जरा हम इनके बारे में कुछ भौगोलिक तथ्य को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, आपको हम बता दें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, इसका विस्तार यदि बात करेंगे विस्तार के बारे में तो नीचे यदि देखेंगे तो 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के आपको चला जाएगा 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अवस्थिति यानी विस्तार क्या है, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और वहीं यदि देशांतर की बात करेंगे तो इधर यानी पश्चिम से पश्चिमी देशांतर यानी पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपका आएगा क्या, 53 डिग्री पश्चिमी देशांतर से इधर आ जाएंगे तो 168 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। दोस्तों, आपको हम पहले भी बता चुके थे जैसा कि यदि पृथ्वी पर देखते हैं, ग्लोब पर देखते हैं, तो उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका जो है आपको पश्चिमी देशांतर में आता है। आइए जरा हम इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की यदि चर्चा करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है 2,47,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,47,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। अब दोस्तों, यह जो क्षेत्रफल है यह पृथ्वी की सतह का यानी धरती जो है सपाट भाग है, भूतल जो है पृथ्वी की सतह का यदि बात करेंगे तो 4.8% है, और यदि कुल भूभाग की बात करेंगे तो कुल भूभाग के तहत 16.5% आता है। यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से बातें करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप चौथा बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप जो है सो किस किस के बाद आता है, तो सबसे पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है एशिया, इसके बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, और तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। अब यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, पुनः अफ्रीका, पुनः यूरोप, और इसके बाद आता है क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आइए अब हम कुछ इनके विभिन्न तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने कुछ झीलों को दिखाने का प्रयास किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ झील से संबंधित प्रश्न बहुत या कथन रूप में यदि आ जाता है तो वहाँ विद्यार्थी कंफ्यूजन कर जाता है। जहाँ तक कि यदि बात करेंगे तो UPSC में भी एग्जाम में ऐसा करके बार बार क्वेश्चन आया है कि इन्हें क्रम से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है झील का, तो उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और ग्रेट झील भी हम समझेंगे। ग्रेट झील के तहत जो 5 झील आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, वह भी समझेंगे। और वैसे इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अनेकों झील होंगे, जो मुख्य रूप से झील हैं उन्हें हम यहाँ दिखाने का प्रयास किया।
और दोस्तों आगे यदि और इस तरह से हमारा यदि वीडियो आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर, तो और भी तरह तरह के हम लोग लाते रहेंगे। यानी इसमें बहुत सारे भी छोटे हुए हैं, जैसे द्वीप समूह, वैसे द्वीप इसमें बहुत हैं, वैसे द्वीपों का द्वीप यहाँ ग्रीनलैंड है। बहुत सारे द्वीप मिलेंगे जो हम यदि अगली वीडियो आती है तो उसमें हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए जरा और देख लेते हैं, आप लोग को सागर यदि पढ़े होंगे। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हम बता रहे थे कि यदि आप सागर से संबंधित वीडियो यदि देखे होंगे तो आप समझ जाइएगा कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसके पश्चिम की तरफ यदि देखते हैं तो आपको बेरिंग सागर मिलेगा और नीचे आपको क्या चुस्की सागर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि यहाँ बात करते हैं तो इधर ऊपर में आ जाएगा एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है बेरिंग जल संधि। आइए जरा और इनसे संबंधित कुछ बातों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आपका जो है यह उत्तरी अमेरिका की यदि बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में यदि बात करते हैं तो आपको यहाँ देश जो आएगा यह आएगा आपका कनाडा। दोस्तों यह कनाडा है और यहाँ पर USA है, जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और यह एक अलग कंट्री मत समझिएगा अलास्का। दोस्तों यह अलास्का जो देश नहीं है, अलास्का एक भाग है उत्तरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग यह अलास्का, ठीक है। और यह अलास्का पूर्व में रसिया का भाग हुआ करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह अलास्का जो है रसिया से खरीदा गया भाग है। आइए पुनः देखते हैं, तो यह हो गया कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ हो गया मेक्सिको। दोस्तों यह तीन कंट्री जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यानी कौन कौन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको, यह तीनों मिलकर के उत्तरी अमेरिका का निर्माण करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं पुनः इसके बाद हम लोग कुछ कैरेबियाई देश देख लेते हैं। कैरेबियाई देश दोस्त देखते हैं, इधर ही वेस्ट इंडीज आता है। देखिए वो कौन कौन सा, इसे हम लोग पश्चिमी देश भी कहा करते हैं, समझिए कौन कौन है। यहाँ पर क्यूबा है, ठीक है, ये क्यूबा हो गया, हाइती, डोमिनियन रिपब्लिक। क्या देखें, क्यूबा रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होगा प्यूर्टोरिको, क्या होगा, प्यूर्टोरिको। इसके बाद यहाँ आता है आपका जमैका, ठीक है। क्या देखा हमने, क्यूबा, हाइती, डोमिनियन रिपब्लिकन और यह प्यूर्टोरिको और यहाँ जमैका। आइए और जरा हम देखते हैं, यहाँ आपका वेस्ट इंडीज हो जाता है, ये बहामास और ये बरमूडा। क्या क्या देख लिया, क्यूबा, हाइती, डोमिनियन रिपब्लिकन, प्यूर्टोरिको, जमैका और यहाँ बरमूडा, बहामास, वेस्ट इंडीज। अब दोस्तों यहाँ यह पूरे एरिया जो है आपका अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर में हम पढ़े थे यहाँ पर सार्गेसो सागर और यहाँ कैरेबियन सागर पढ़े थे। दोस्तों यह हमने समझ लिया, अब यहाँ पर हम लोग देखने का यह प्रयास करेंगे कौन कौन से खाड़ियाँ हैं। देखिए यहाँ आपका कुछ खाड़ी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मेक्सिको है तो यहाँ हो गया मेक्सिको की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको। और दोस्तों यहाँ यदि हम देखते हैं तो यहाँ ये आपका आता है क्या, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी इधर की तरफ प्रवाहित होते है, इसलिए उसी के नाम पर पड़ गया है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अब देखिए यहाँ पर आपका यह हो गया बेफिन बे, यानी बे ऑफ बेफिन, बेफिन की खाड़ी हो गया। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि बे गल्फ दोनों का मतलब खाड़ी है, तो क्या होता है ये समझ रहे होंगे, पिछले वीडियो यदि आप देखे होंगे तो यहाँ हो गया बेफिन की खाड़ी, यहाँ हो गया गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ हो गया एमुंडसेन गल्फ, यहाँ हमने देख लिया। और यहाँ हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, ब्रिस्टो बे होगा, यहाँ गल्फ ऑफ अलास्का हो जाएगा। और यहाँ यदि बात करते तो यहाँ आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आइए देखिए यहाँ पर आपका यह एक आएगा नदी का मुहाना, यहाँ आता है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी आप पढ़े होइएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है दो महत्वपूर्ण नदी जो है मिसिसिपी और मिसौरी नदी, वो तो यहाँ पर मिसिसिपी का मुहाना बनता है, जिसे हम लोग डेल्टा कहेंगे, तो यह मिसिसिपी का डेल्टा होगा। डेल्टा भी क्या है, हम पिछले वीडियो में भी समझाने का प्रयास किए थे, ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा होगा। आइए जरा हम इन्हें देखते हैं, पांच ग्रेट लेक को देखते हैं, फाइव ग्रेट लेक के तहत कौन कौन सा आता है। सुपीरियर झील आता है, ओंटेरियो झील आता है, इरी झील आता है, मिशिगन झील आता है, ह्यूरन झील आता है, यह सभी आते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ क्रम से हम देखते हैं क्या, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं कौन कौन से,
ये प्रमुख ये पांच ग्रेटर लेक जो है कौन कौन से देखिए। सबसे पश्चिम की तरफ देखते हैं तो सुपरियर झील आएगा, फिर यहाँ मिशिगन झील आएगा, फिर ह्यूरन झील आएगा, यहाँ इरी झील आएगा, ओंटारियो झील आएगा। क्या क्या आएगा? सुपरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये पांच प्रमुख जो है आपका ग्रेटर झील जो है उसका क्रम से विस्तार क्या है, तो आप यदि यहाँ समझ रहिएगा तो वहाँ जवाब देने में थोड़ी सी भी चूक नहीं होगी। क्या क्या देख लिए? सुपरियर झील, इसके बाद मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। आइए कुछ और प्रमुख झील हमने दिखाने का प्रयास किया है, वो है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेब झील, अथवस्का झील, रेंडियर झील, विनीपेग झील, मनीटोबा झील और यहाँ वोल्सन झील है। क्या क्या देखा? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेब झील, अथवस्क झील, रेंडियर झील, वोल्सन झील, विनीपेग झील और मनीटोबा झील। दोस्तों अब हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे यह मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका देखने का प्रयास करेंगे। मध्य अमेरिका में वह सात देश कौन कौन से उसे जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद होगा तो हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसे हम लोग कई तरह के इतिहास में हो या फिर भूगोल में या फिर अन्य विषयों में हम लोग पढ़ा करते हैं, विज्ञान में पढ़ा करते हैं कि लैटिन अमेरिका। दोस्तों ये लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। यह बहुत कन्फ्यूजन भरा रहता है, हमें भी कन्फ्यूज होते रहता है, कन्फ्यूज बहुत बार हुआ है कि लैटिन अमेरिका मतलब क्या, लैटिन अमेरिका है नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ हम लोग समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग यहाँ समझे उत्तरी अमेरिका पढ़ लिए, मध्य अमेरिका पढ़ लिए, फिर ये कैरेबियाई अमेरिका पढ़ लिए, कैरेबियाई कंट्री पढ़ लिए, इसके बाद हम लैटिन अमेरिका भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यह आपका मध्य अमेरिका का जो कंट्री है, आप देखिए यहाँ यदि देखेंगे तो यहाँ तक हमने देख लिया था मेक्सिको है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कंट्री आता है ग्वाटेमाला और यहाँ बेलीज आता है, बेलीज ग्वाटेमाला, बेलीज और ग्वाटेमाला के बाद में आता है एल सल्वाडोर, बेलीज ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर और यहाँ आता है होंडुरास। क्या है? होंडुरास। क्या देखा अभी तक? बेलीज ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर होंडुरास। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ आता है निकारागुआ। क्या आता है? निकारागुआ और यह आता है कोस्टा रिका। क्या आता है? कोस्टा रिका और यहाँ पनामा। क्या देखा अभी तक? बेलीज ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर होंडुरास निकारागुआ कोस्टा रिका पनामा। आइए पुनः देख लेते हैं, बेलीज ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर होंडुरास निकारागुआ कोस्टा रिका पनामा। इस तरह से हम मध्य अमेरिका के यह सात देश हम लोग देख चुके हैं। और उत्तरी अमेरिका में कौन कौन था? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और यहाँ क्या देखे? बेलीज ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर होंडुरास निकारागुआ कोस्टा रिका पनामा। दोस्तों यहाँ पर पनामा जल संधि होगा, पनामा नहर जो बना हुआ, पनामा जो जल संधि है, पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पृथक होता है। तो यहाँ हमने जानने का प्रयास किया और कैरेबियाई देश में क्या देखा? क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके बाद प्यूर्टो रिको, जमैका, यहाँ वेस्ट इंडीज देखा, बहामास, इसके बाद बरमूडा, एंटीगुआ बरमूडा यही है, यह हमने देखने का प्रयास किया। अब यहाँ आपको बता दें कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को पृथक करता है 49 डिग्री अक्षांश। दोस्तों आपको एक बात हम बताना भूल गए हैं, वह यह था कि हम यह जानते हैं कि इधर से आपको ये कर्क रेखा गुजरेगा, मेक्सिको से होकर के गुजरता है आपका कर्क रेखा। तो हम लोग जानने का प्रयास कर लिए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। इसके बाद विभिन्न तरह के हम इसी तरह आपके बीच लेकर के आते रहेंगे और आप अपना ढेर सारा सपोर्ट तथा प्यार देते रहिए तथा हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।